तो अरे क्या हाल चाल आज मैं एक और वीडियो लेके और गई। आज के वीडियो में हम बात करने वाले तुम्हारे कुछ क्वेश्चनों के बारे में, मतलब तुमने बहुत सारे सवाल मेरे से पूछे तो उनका जवाब मैं देने वाला हूँ। अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहे हैं। तो इससे पहले कि कोई बवाल खड़ा हो जाए उससे पहले अपने कानों में ईयरफोन लगा लो, नहीं तो भाई सब कुछ भी हो सकता है। आज बमबाजी चलेगी मैच में पूरे में। तो देखो ईयरफोन तुम डाल ही लो भाई, और अगर नहीं डाल रहे हो तो कहीं ऐसी जगह जाके बैठ जाओ जहाँ कोई तुम्हें सुन ही नहीं सकता। तो पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा फेस रिवील। तो यार तुम फेस की क्या बात करते हो, अभी तुम्हारे सामने फेस रिवील कर देता हूँ। ये लो यार, इतनी सी छोटी बात है यार, मतलब इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हो इसको? इतने सारे कमेंट तुमने कर लिए, ये लो भैया फेस रिवील हो गया हमारा। तो पहले हमारी शक्ल ऐसी कुछ लाल लाल हुआ करती थी, बाद में थोड़े दिनों पहले ऐसी हो गई। फिर तो देखो यार, अगर तुमको ये मास्क हटाने ना ऊपर से, तो इनकी एक निंजा टेक्निक बताता हूँ मैं तुम्हें। करना ज्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा एक छोटा सा काम करना तुमको, जो कि इतना ईजी है, इतना ईजी है वो काम कि भाई साहब उससे ईजी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए कोई काम होगा। सिंपल सा, जो तुम वीडियो देख रहे हो उसके नीचे ऐसा कुछ लाल लाल कलर का बटन आ रहा ना, उसको इतना तेज प्रेस करिए कि वो साला सॉरी वो मतलब काला काला हो जाए। और जैसे ही वो काला हो जाता है ना, काला होने के बाद वो कुछ इस प्रकार बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिए। कुछ इस प्रकार से जब हो जाता है तो जब मेरे जो नीचे लिखे हुए है ना बन के सब्सक्राइबर, यहाँ पे हो जाता है भैया, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे होता है 100 के। तो भैया मैं कर दूंगा फेस रिवील। अब बहुत सारे लोंडे समझ रहे होंगे 100 के तो जाने कितने दिन होंगे। तो यार देखो फेस रिवील भी मैं तभी कर पा सकता हूँ, अभी मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इससे जिससे कि मैं तुम्हें सारे क्वेश्चनों के आंसर दे पाऊँ। तो दूसरा क्वेश्चन निकल के आ रहा भाई सब थंबनेल के बारे में। तो देखो यार, मैं जो थंबनेल बनवाता हूँ, पहले मैं थंबनेल बनाता था शुरू से बताता हूँ, अब से हाँ 15-20 दिनों पहले मेरे सारे थंबनेल्स चेक करो। वो थंबनेल्स में थे आप पिक्सआर्ट से और पिक्सल लैब से बनाया करता था, जो कि तुमने देख लिए कैसे होते थे। लेकिन अभी मेरे थंबनेल एकदम भाई सब चेंज हो गए पूरी तरह। तो इन थंबनेलों के पीछे का एक राज है। हमारी टीम में एक बंदा था आबिद ओपी, मतलब आबिद तुम जानते होंगे। तो वो बंदा क्या भाई, ग्राफिक डिजाइनर है वो, मतलब डिजाइनर पता नहीं क्या है वो, लेकिन वो ऐसे थंबनेल्स बनाता है। तो जब मैंने उसके बारे में जानकारी ली, हमारे साथ ही खेलता है, तो हमने पूछा भाई, तो हुआ ये कि वो भैया पेड़ थंबनेल बनाता है लोगों के। ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे बंदे जो पेड़ थंबनेल बनाते हैं, उनमें से एक बंदा है आबिद, जो कि हमारी ही टीम में। तो भैया मेरे जो थंबनेल बन के आते हैं वो पेड़ थंबनेल होते हैं सारे, मैं खुद नहीं बनाता, वो सारे थंबनेल बनाता है आबिद। उसके चैनल का नाम है आबिद ओपी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तुम्हें वीडियो के में। तो तुम वहां से जाके चेक कर सकते हो और उससे जाके पूछ सकते हो भैया कितने में। अब तुम में से बहुत सारे लोंडे कमेंट करना चाहेंगे, मतलब बोलेंगे मुझे कमेंट में भाई कितना पैसा लग जाता है एक थंबनेल बनवाने में। तो देखो यार, अमाउंट कोई फिक्स नहीं है, मैं जितनी मेहनत उस बंदे से करवाऊंगा वो उतना ही मेरे को थंबनेल बना के देगा। मतलब ये है, मैं जितना काम अपने थंबनेल में उससे करवाऊंगा उतने ही वो मेरे से पैसे लेगा। जैसे कि वो पता नहीं कौन कौन से ऐप से बनाता है, मेरे को तो आज तक याद नहीं। मेरे को भाई एक दिन उसने बताना चाहा था लेकिन मैं कुछ नहीं समझ पाया। सच्चाई ये है, मैं कुछ नहीं समझ पाया, मेरे कुछ नहीं समझ आया। तो मैंने बोल दिया भैया मैं तो पेड़ ही बनवा लूंगा, मेरे से ना होने के ऐसे छोटे मोटे काम। छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा काम है भाई, वीडियो चल जाती इससे पूरी। तो गाइज अगर तुमको सीखने थंबनेल बनाना अच्छा इतना बहुत बढ़िया वाला, तो बंदे से जाके सीधा कॉन्टेक्ट कर लो, और भैया वो उससे सीख भी सकते हो, पेड़ भी बनवा सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो। और मैं नहीं बोलता तुम इसी से जाके बनवाओ, देखो यूट्यूब पे बहुत सारे बंदे पड़े जो कि पेड़ थंबनेल बनाते, तुम उनसे संपर्क कर सकते हो और अपने थंबनेल्स बनवा सकते हो, जो कि ज्यादा खर्चा तो लेते नहीं है। मेरा तो भाई मैं ये भी नहीं बता सकता वो कितना लेता है फिक्स, क्योंकि कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। तुम बोलोगे एप्रोक्स तो कुछ बताओ, तो यार एप्रोक्स को छोड़ो, पहले हमारा सिलेक्शन हो गया कॉन्ग्रेचुलेशंस में, देख रहा PMIS 2020 में हो गया हमारा सिलेक्शन। तो इसमें सिलेक्शन होने की वजह से मेरे 2 दिन गेम प्ले नहीं आ पाए। तो यार इसके लिए मैं बहुत माफी चाहता हूँ, बहुत बहुत माफी चाहता हूँ कि भैया मैं गेम प्ले नहीं डाल पाया। अब कैसे डालता गेम प्ले तुम बताओ यार, 2 दिन पीछे हमारे PMIS के मैचेज हो जाएंगे स्टार्ट, और उसकी वजह से मैं कर रहा था भैया प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के चक्कर में भैया गेम प्ले डाल तो मैं कल ही देता, लेकिन भाई सब क्या ही बताऊँ, मतलब मेरा जो टीममेट है ना उन्होंने बोला नहीं ऐसे कैसे तू वीडियो बनाएगा, मतलब हम तो बना ही नहीं रहे, मतलब तू कौन सा समझदार आदमी ऐसे वीडियो बनाएगा। अब मैं नाम तो उसका नहीं ले सकता, लेकिन उसने मेरे को बोला था यार आज आज गेम खेल लेते हैं, कल भी गेम खेल लेते हैं, परसों अपने PMIS के मैच है तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम हुए नए कंट्रोल पे शिफ्ट, तो भैया प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है, तो हम भैया प्रैक्टिस में इतने बिजी हो गए कि वीडियो नहीं डाल पाए। उसके लिए कतई भाई मैं सच बता रहा हूँ, अंदर की आत्मा से सॉरी बोल रहा हूँ अभी फिलहाल मैं तुमको। तो अब बात कर लेते हैं इस गेम प्ले की। तो हम उतरे हुए थे पोचंग की, मेरे सामने मुझे एक बोट बाबा जी दिख जाते हैं, तो मैं इसकी कतई चड्डी खोल के उल्टा लटका के जिंदा मार देता हूँ इसको, और इसको मार मूर के हम कतई बिना किसी को बताए पोचंकी से निकल लेंगे, क्योंकि पोचंकी मेरे को ने का कोई फायदा है नहीं। तो हम आ जाते जॉर्जो का पोल, और जॉर्जो के पोल में आते ही एक कांड हो जाता है, क्योंकि आज मेरे स्प्रे मेरा सब कुछ इतना खराब हो रहा था ना, आज क्या ही बताऊं मैं तुमको। मतलब तुम सोचो कि भैया एक बंदा जो इतना बढ़िया कभी स्प्रे दिया करता था, उसका स्प्रे वगैरह इतना हराम ज्यादा कैसे हो सकता है।
मतलब मेरा एम इतना गंदा कैसे हो सकता है, वो तुम्हें आज समझ में आएगा। तो हुआ ये था, पिछले 5-6 दिनों पहले मैंने भाई साहब अपना एम असिस्ट कर दिया था डिसेबल, और मैं डिसेबल करके कतई भूल गया। मैं पता नहीं ट्रेनिंग में गया था, मेरे से वो डिसेबल हो गया गलती से, मैंने डिसेबल करके छोड़ दिया, और वो तब से लेकर आज तक डिसेबल ही रहा। और मैंने अब वो सोच लिया कि भैया मैं एम असिस्ट डिसेबल करके ही खेलूंगा, इनेबल करके नहीं खेलूंगा। इससे एक फ़ायदा होता है, जब तुम किसी बंदे पर पुश कर रहे हो, एक बंदा नॉक पड़ा और एक उसको रिवाइव दे रहा है, तो कभी कभार तुमने देखा होगा तुम्हारा एम हमेशा नॉक वाले बंदे को पहले फिनिश करता है, लेकिन अगर तुम एम असिस्ट को डिसेबल करके खेलते हो तो भैया तुम्हारा एम असिस्ट ना उसी बंदे पर जाएगा जिसको तुम मार रहे हो, और इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से भैया मेरा केडी बेडी सब डाउन हो गया, मेरा 3.5 का केडी था लेकिन भाई उसका भी बाट लग गया, केडी तो बहुत ज़्यादा था लेकिन पीएमआईएस की वजह से बाट लग गई हमारी। तो खैर फिलहाल जो भी हो इस सीजन सब कुछ हमारा वो मतलब जो भी है केडी वेडी तो कम रहेगा, क्योंकि भैया नए कंट्रोल पे आए हैं, एम असिस्ट डिसेबल किया है, मतलब एक साथ दो दो कांड कर दिए। तो खैर फिलहाल छोड़ो, हम आ जाते जोड़ दो मेरे जहाँ पे कि हम ग्रेविस को मतलब भेज देते बंदों के हाथों मरने के लिए। मैंने बोला भैया तू जाके नॉक हो जा, हम तुम्हें कवर दे देंगे। तो बंदा भाई साहब सचमुच में जाके मतलब नॉक हो जाता है। और तुम्हें पता ही है हमारी एक प्रजाति है, प्रजाति नहीं मतलब हमारी एक परंपरा है, हमारे नहीं सबकी यार, जब तुम्हारे पास लूट नहीं हो ना तो सबसे पहले अपने टीममेट पे एक नेट डाल दो, नेट मत डालो स्मोक डाल दो आई मीन, और उसके बाद लूटने लग जाओ। अबे तो रिवाइव भी तो दे दो चूतियो, क्या कर रहे हो? नहीं देख रहो हमारी हरामजादगी कितनी है हमारी, आज मैं उसकी नहीं बताऊंगा, आज हमारी हरामजादगी बताऊंगा। मतलब तुम देख रहे हो इतने हरामी टीममेट तो मैं देखे कहीं, मतलब बंदे को रिवाइव नहीं दे रहे, लूटे जा रहे, मजाक हो रहा कहते है ना। और उसके बाद आते थे हम रोजोक में, तो भाई साहब यहाँ पे हमारी गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे हमारे कौन से भैया है, तो रेबल भाई साहब हमारी गाड़ी चलाते, हम सिक्स एक्स को एडजस्ट ही कर रहे थे कि इतने में हमें पता चलता है यहाँ पे बंदे बैठे हुए, तो उनको पकड़ना पड़ेगा। नहीं तुम देख रहे हो लोंडे कहाँ कहाँ बैठे हुए, मैं सच बता रहा हूँ, रोजोक में तुम जब भी आते हो ना बहुत ज्यादा बार मेरे साथ इतना स्कैम होता है मैं कुछ बता नहीं सकता भाई साहब, क्योंकि आज तो मैं बच गया लेकिन हर रोज नहीं बचता, हर रोज मेरी ही क्रेट बनती है पता नहीं क्यों। तो इस भैया का तो मैंने खोपड़ा इतना तेज फोड़ा कि एमके का एक हेड खाया, एक बॉडी खाया और एक पैर में खाया था, मतलब जहां भी खाया था इसका राबड़ी फावड़ी सब भरा। अबे क्या ही बोल रहा हूँ मैं, मतलब इसकी आत्मा वात्मा सब फाड़ के मैंने बराबर कर दी, और उसके बाद मेरे टीममेट को मैं रिवाइव देने तो बैठ देता हूँ, लेकिन मैं कतई डरा हुआ था बुरी तरह से, क्योंकि मुझे लग रहा था भाई साहब वो जो खिड़की है ना उससे मेरे को पढ़ने वाली है, तो तुम देखो पढ़ती है कि नहीं पढ़ती। नहीं मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत तगड़ा शक हो रहा था, क्योंकि एक बंदे ने उधर से M4 फायर की थी, मैं सोच ही रहा था कि वो M4 6X चला ना दे, इतने में भाई साहब किसी ने M4 6X चला ही नहीं और मैं यहाँ पे जिंदा बच जाता हूँ। और जैसे ही मैं जिंदा बच जाता हूँ तो एक चीज़ तो तय हो गई थी भैया, अब इन बंदों को छोड़ने वाले है नहीं हम, क्योंकि अब हमारे टीममेट हो गए थे रिवाइव और हम ले चुके थे पोजीशन, और जब हम पोजीशन ले लेते हैं तो भाई साहब उसके बाद तो हमें कोई मार ही नहीं सकता, तुमको भी पता है हमको भी पता है और सारे दुनिया को पता है। नहीं मतलब क्या देखना क्या चाहते हो मेरी तरफ, नहीं मोझ कौन सा बोलते हो, मतलब मुंह दिखाई की रस्म में चल रही है जो तू इधर देख रहा है, मतलब मजाक हो रहा है भाई वैसे ही देखे जा रहा, पता नहीं क्या करना चाहता है ये बंदा, तो भाई इसकी जिंदगी में तो बहुत भूचाल आए हुए, और अब एक बंदे को हमने नॉक कर दिया था तो हम इसको रिवाइव तो होने देंगे नहीं, चाहे इसे कितना ही कोशिश कर ले इसको मार के जरूर छोड़ेंगे हम लोग। अब किसको मार रहे हो हमें बता दो, हम भी मार लेंगे यार, इतने हेवी रैम दिल कैसे हो सकते हो, तुम किसी को भी मारे जा रहे हो। तो फिलहाल भाई साहब हिसाब किताब ऐसा है कि जोर जो थोड़ी ना है, मतलब रोजोक में जितने भी बंदे आए थे सबके सब निपट जाते हैं, उनको पता नहीं कौन निपटा देता है, हम ही निपटा देते हैं, कौन थोड़ी निपटाता है। और हम मेरे साथ जो सीन होने वाले ना उन्हें देख के भाई तुम कुछ बोलने लायक मैं भी नहीं रहूंगा और तुम भी नहीं रहोगे। नहीं पबजी वालों के नशे देख रहे हो, मैं मतलब गाड़ी के अंदर भी नहीं था कि मैं पूरा फट गया, लेकिन भाई साहब नॉक भी नहीं हुआ सीधा फिनिश, मतलब कौन सी दुनिया में रहता है भाई ये पबजी। खैर फिलहाल जो भी हो गाड़ी फूटी तो ब्लास्ट हुआ था तो मैं मर गया, लेकिन भाई क्या करे सैड लाइफ तो कभी ना कभी झेलनी ही पड़ती है। लेकिन फिलहाल इनको मेरे टीममेट ने इतना बुरा मारा था बहुत बुरा जो कि तुम देख लो। और गाइज अब से पीछे गेम प्ले लेट नहीं होंगे, तो अब से पहले लेट होगा उनके लिए कतई दिल से सॉरी थोड़ी ना होता है, मुंह से सॉरी बोल रहा हूँ। तो अगर तुमको ये गेम प्ले में मजा आया ना तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू सो मच मेरे भाई लोग।